हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में स्पेशली हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ में जो आरपीएफ और कांस्टेबल की जो वैकेंसी निकली है रेलवे में, उसका ऑफिशियली जो एम्प्लॉयमेंट यहां पे नोटिफिकेशन है वो पब्लिश हो चुका है दोस्तों। ऑफिशियल पब्लिक जो नोटिस है आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, और आप चाहे तो इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद इसे देख सकते हैं। इसका जो लिंक है डाउनलोड का आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा पूरा डिटेल्स में कि क्या क्या इसके क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, और क्या क्या इसकी जो है एज लिमिट चाहिए, क्या इसमें जो रिक्वायरमेंट है काफ़ी सारे, जो क्या सिलेबस है इसका, सब कुछ यहाँ पे डिटेल्स में स्टार्ट टू एंड तक मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपको सब कुछ, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, ये ऑफिशियल यहाँ नोटिफिकेशन आप देख रहे हो एक आरपीएफ और कॉन्स्टेबल का, ये आज इस रात को जारी हुआ है। और अगर बात करते हैं तो ये टोटल लगभग 27 से 28 पेज का नोटिफिकेशन है, तो ये काफ़ी सारा लंबा है। तो इसको ईजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइट का यहाँ पे सहारा ले रहा हूँ, तो ये आपको बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज निकली है इसके अंदर, वो निकली है 9,739 पोस्ट है इसके अंदर। और अगर बात करते हैं दोनों पोस्टों को मिलाकर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की इसमें वैकेंसी निकली है। अगर बात करते हैं देखिए यहाँ पे जो फॉर्म की जो इम्पोर्टेंट डेट है, तो सबसे पहले तो जो फॉर्म भरना शुरू होगा दोस्तों वो होगा 1 जून 2018 से। 1 जून 2018 से ये अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो आप इसके लिए, और जो लास्ट डेट है वो है 30 जून 2018, 30 जून तक, यानी कि पूरा एक महीना आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मिलेगा। अगर बात करते हैं फीस की, तो आपको जो फीस की लास्ट डेट है वो भी 30 जून तक रहेगी। एडमिट कार्ड की अपडेट यहाँ पे जल्दी ही मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जब भी इसका एडमिट कार्ड अवेलेबल होते हैं आपको मिल जाएगी इसकी सूचना, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। जो दोस्त नए हैं हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है उसे सब्सक्राइब दबाकर, जिससे कि ऐसी इसके रिलेटेड सारी अपडेट्स आप तक पहुँच सके सबसे पहले। बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट का टाइम दे यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, सितंबर अक्टूबर में इसकी जो है एग्जाम डेट बताई गई है जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो जो यहाँ पे इसके अंदर जो फीस है दोस्तों, जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये फीस है, जिसमें अगर आप जो सीबीटी एग्ज़ाम है, जैसे आपने देखा होगा रेलवे के जो पहले वैकेंसी निकली ग्रुप डी की और एएलपी की, उसमें भी ऐसा ही था, उसी की तरह इसमें है। अगर आप पहला जो सीबीटी टेस्ट होता है फर्स्ट स्टेज, वो अपेयरिंग हो जाते हैं यानी कि उसको मतलब कि अटैम्प्ट कर लेते हो, तो आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे, और 500 रुपये जो आपके अभी पे करने पड़ेंगे जिसमें से 400 आपको वापस मिल जाएंगे। ये ओनली जनरल और ओबीसी के लिए, एसटी एससी एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए 250 रुपए, जिसमें से आपको वापस से 250 रुपए मिल जाएंगे जब आप एग्जाम दे लोगे। तो ये सारी यहाँ पे फीस डिटेल्स है। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन, जो कि मेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं देखिए कांस्टेबल के लिए, दो तरह की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, और पहली है कांस्टेबल और दूसरी है सब इंस्पेक्टर की। कांस्टेबल की बात करते हैं तो देखिए एज इसमें मांगी गई है 18 से 25 ईयर, और जो सब इंस्पेक्टर है उसमें मांगी गई है 20 से 25 ईयर, ये यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट है इसकी। अगर बात करते हैं कुछ एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, और एसटी एससी के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप देख लीजिए, आप जो है अगर आप 25 यहाँ पे आउटडेटेड हैं, तो आपको एसटी एससी में 5 साल की छूट मिल रही है, और ओबीसी के लिए है तो 3 साल की छूट यहाँ पे मिल रही है। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ कौन कौन इसे भर सकता है दोस्तों, तो देखिए अगर आपने कोई भी हाई स्कूल से, अगर कोई भी बोर्ड से अगर आपने कर रखी है क्लास पास कर रखी, तो आप कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आप जो है इसका एसआई का फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन यानी कि कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री ले रखी है, आपने किसी भी प्रकार की कोई भी बोर्ड से डिग्री ले रखी है ग्रेजुएशन डिग्री, तो आप जो है एसआई का फॉर्म भी भर सकते हो। तो ये है यहाँ पे इसकी मेन क्वालिफिकेशन, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सी क्वालिफिकेशन है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो एसआई का, और ये दोनों भर सकते हो, यानी ग्रेजुएशन जिसने कर रखी है तो दोनों भर सकते हैं, और जो जिन्होंने केवल हाई स्कूल पास कर रखा है वो ओनली कॉन्स्टेबल की भर सकते हैं, एसआई की नहीं भर सकते। तो ये क्वालिफिकेशन में भी आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट की, तो देखिए सबसे पहले मैं कांस्टेबल की बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं बात करूँगा यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की। तो सब कांस्टेबल की अगर बात करते हैं तो देखिए जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसीज है, आप इजीली से देख सकते हैं, और इसको पूरा सेम जो ये पैटर्न है इसका आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इसे सेम पेज को आप अपने हिसाब से इजीली देख सकते हैं अगर आप चाहे तो। तो यहाँ पे देखिए मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बता पाऊँगा, काफ़ी लंबा वीडियो जाएगा, तो आप इसको जो है वीडियो को पॉज करके देख लीजिए,
या फिर नीचे लिंक पे क्लिक करके जो अपने हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से जो वैकेंसीज है उन्हें देख लीजिए। ये यहाँ पे पुरुषों के लिए वैकेंसीज है, जो जनरल की है, ओबीसी की है, एससी एसटी, ये टोटल वैकेंसीज है इधर, और ये फीमेल के लिए है, ठीक है, जिनमें जनरल ओबीसी एससी एसटी टोटल ये थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टोटल वैकेंसी 4403 है यहाँ पे मेल्स के लिए कॉन्स्टेबल की, और जो फीमेल्स के लिए वो 4216 वैकेंसी है। ये यहाँ पे जोन वाइज वह है SR SWR, ठीक है, ये इस जोन है। तो ये तो हो गई कॉन्स्टेबल की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की। सब इंस्पेक्टर की जो टोटल पोस्ट है दोस्तों SI की, वो है 1120 पोस्ट इसके अंदर, जिसमें देखिए ये जोन वाइज यहाँ पे भी सेम उसी की तरह है, मेल्स की कैटेगरीज वाइज है ये, और इधर ये फीमेल्स की है, ठीक है, कैटेगरीज वाइज। तो ये यहाँ पे इसकी वैकेंसीज है सब इंस्पेक्टर की। और यहाँ पे अगर बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट जो इसका पे स्केल है दोस्तों, जो इसका पे स्केल है, इसकी सैलरी है दोस्तों, तो जो यहाँ पे 7th CPC के हिसाब से आपको जो कॉन्स्टेबल का पे स्केल जो टोटल आपको इन हैंड होगा वो होगा दोस्तों 21,700 प्लस आपको काफ़ी यहाँ पे अलाउंसेंस मिलने वाले हैं, काफ़ी सारे एक्स्ट्रा भत्ते भी यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो इन हैंड आपकी सैलरी जो है यहाँ पे आपकी हो जाएगी, मतलब कि 23 से 24 हज़ार आपकी सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है कॉन्स्टेबल के लिए, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। तो बात कर लेते हैं SI के लिए, जो सब इंस्पेक्टर की जो सैलरी है इसके अंदर दोस्तों वो है टोटल इन इंडिया पे 35,400 प्लस आपका जो अलाउंस इसमें अलग होगा, जो यानी कि जो भत्ते वगैरह है वो इसमें अलग से इंक्लूड है, तो आपका जो सैलरी यहाँ पे और मिला के मतलब कि 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे इसकी भी सैलरी है, तो दोस्तों सैलरी के हिसाब से काफ़ी अच्छी पोस्ट है, आप इसे देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब बात कर लेते हैं, देखिए इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में मैं बताता हूँ कि ये फिजिकल भी इसमें मांगा गया है, तो सिलेक्शन प्रोसेस पहले देख लेते हैं हम, सिलेक्शन किस हिसाब से होगा इसके अंदर। पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर के पे फर्स्ट स्टेज होगी आपकी वो CBT बेस्ड होगी, ठीक है। उसके बाद में जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है उनको उसके बाद में फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं उसके लिए उनको बुलाया जाएगा। जो दोस्त फिजिकल में पास होते हैं उनको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। तो 3 चरणों से यहाँ पे आपको इसमें गुजरना होगा इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। अब बात कर लेते हैं फिजिकल में किसके लिए कितना क्या मांगा गया है यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे कॉन्स्टेबल की। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करते हैं तो फिजिकल की, तो देखिए यहाँ पे मेल और इनके लिए, मेल के लिए जो कैटेगरी है यू, जो जनरल और ओबीसी, उनके लिए हाइट मांगी गई है दोस्तों यहाँ पे 165 सेंटीमीटर, और एसटी एससी के लिए मांगी गई है 160 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पे जो सीना मांगा गया है 80 से 85 जो मांगा गया है जनरल वालों के लिए मांगा गया है, और 76.2 से 81.2 मांगा गया है एसटी एससी के लिए। और यहाँ पे फीमेल के लिए, ये आप देख लीजिएगा, फीमेल के लिए चेस्ट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो हाइट है यहाँ पे लंबाई ऊंचाई है वो 157 है, और एसटी एससी के लिए ये है 152 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कॉन्स्टेबल के लिए जो है हाई जंप और रनिंग वो कितनी है। तो मेल जो है कॉन्स्टेबल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कॉन्स्टेबल के लिए है, और जो नीचे देख रहे हो आप ये सब इंस्पेक्टर के लिए। तो यहाँ पे जो पुरुष है उनके लिए लॉन्ग जंप रहेगा 14 फीट का रहेगा, और फीमेल के लिए रहेगा 9 फीट का। और जो यहाँ पे हाई जंप रहेगा वो मेल्स के लिए होगा 4 फीट का, और जो फीमेल है उनके लिए रहेगा 3 फीट का। रनिंग यहाँ पे आपकी जो दौड़ होगी दोस्तों वो होगी पुरुष के लिए होगी 1600 मीटर इन 5 मिनट 45 सेकंड, 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ करनी होगी पूरी, ये होगा पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए 800 मीटर होगी 3 मिनट और 40 सेकंड में, ठीक है, ये हो गया अपना कॉन्स्टेबल के लिए। अब बात कर लेते हैं SI के लिए क्या फिजिकल है। SI के लिए लॉन्ग जंप होगा जो मेल्स के लिए यानी पुरुषों के लिए 12 फीट का होगा, और महिलाओं के लिए होगा 9 फीट का। यहाँ पे जो हाई जंप होगा वो होगा 3 फीट 9 इंच का पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए होगा 3 फीट का। अगर दौड़ की बात करते हैं सब इंस्पेक्टर में, तो 1600 मीटर होगी आपकी पुरुषों के लिए 6 मिनट और 30 सेकंड में, और यहाँ पे महिलाओं के लिए होगी 800 मीटर इन 4 मिनट, यानी कि 800 मीटर आपको पूरी करनी होगी 4 मिनट में, ये महिलाओं के लिए दौड़, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस हमने देख ही लिया यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं, देखिए ऑफिशियल जो यहाँ पे इसका
जो शुरू होगा लिंक आपको वेबसाइट पे अप्लाई करने का, वो आपको 1 तारीख से मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और हिंदी में यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसका सिलेबस अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। इसका जो सिलेबस है दोस्तों, यहाँ पर आप क्लिक करके अपना इसका ऑफिशियल सिलेबस जो है वो देख सकते हैं। तो ये आप मिस ना करें। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है मैंने, यहाँ पर लिंक पे क्लिक करते हैं आप इस पेज पे आ जाएंगे और उस पर आप ये सारी चीज़ें जो है डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप गूगल में भी सरकारी दिशा डायरेक्ट टाइप करके इस साइट पे पहुँच सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अच्छी साइट है, मुझे भी अच्छी लगी, तो मैं आपको इसके थ्रू ईजिली इसको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आएगी। कुछ भी डाउट है और कुछ भी आपके मन में और इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो को यहाँ पे जो है लाइक कर दीजिए। और अगर बात करते हैं यहाँ पे तो दो दोस्त नए हैं यहाँ पे, सब्सक्राइब कर सकते हैं मैं ऐसे ही नई अपडेट्स के लिए। अभी के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।